मेहर अपनी ड्रेस इसी चेंजिंग रूम में रख के गई है मेहर की ड्रेस खराब करने का और मोंटू बॉस को इम्प्रेस करने का। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। हाँ पर मेहर ने अपनी ड्रेस रखी कहाँ होगी? ढूंढता हूँ। इसे मेहर की ड्रेस अरे ये ढूंढता हूँ। अरे मेहर की ड्रेस ये रही मेहर की ड्रेस। नॉर्मल ड्रेस में तो रिहर्सल हो गई, अब अच्छी वाली ड्रेस पहन के रिहर्सल करती हूँ। ये किसका ड्रेस है? चलो बस, दो पिज्जा दो बर्गर और वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ, जल्दी मंगाओ। क्यों? अरे मोंटू बॉस, फर्स्ट क्लास काम करके आया हूँ। बॉस मेहर के ड्रेस के इतने छोटे छोटे इतने छोटे 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 ये बात को छोटा कर और मुझे ये बता कि काम हुआ कि नहीं। हो गया बॉस, मेहर के ड्रेस के इतने टुकड़े थे इतने टुकड़े थे कि दुनिया का कोई भी टेलर उसे वापस नहीं सी सकता। वाह मेरे मिट्टी के शेर, है ना। इन्हें पिज्जा बर्गर क्या, तुझे तो मैं वड़ा पाव खिलाऊंगा, वो भी अपने हाथों से, वो भी तली हुई लाल मिर्ची के साथ। फिलहाल तो ये बिस्किट खा। मैं देख के आती हूँ। हाँ जा। नेहा, देखने की कोई जरूरत नहीं है, मेहर आएगी भी नहीं क्योंकि वो मेरी ड्रेस देख के डर गई है। लो आ गई। हिला कपड़े टीके से हो गए? मुझे नहीं पता बॉस, मैंने तो इसकी ड्रेस की चिंदी चिंदी कर दी थी। और मैं तेरी चिंदी चिंदी करूंगा चिंदी चोर। अरे बॉस
मेरा विश्वास करो, मैंने सच में मेहर की ड्रेस काटी थी। ये मेहर ना, मेहर कोई बड़ा गेम खेल रही है हमारे साथ। चुप। गेम तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। मारा मारी। नहीं नहीं भाई बॉस। अरे 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 मानो भाई बॉस। राइट में एग्जिट, लेफ्ट में। नहीं जल्दी थक गया तू? शरीर देख उसका, थकेगा ही ना। मोंटू बॉस, आप तो बेवकूफ हो। मेरी बात मानोगे नहीं तो मैं ही सॉरी बोल देता हूँ। I'm sorry boss, it's my mistake. अब खुश ना? खुश? खुश तो मैं तभी होऊंगा जब मेहर की ड्रेस खराब होगी और उसकी ड्रेस इस बार मैं खराब करूंगा। एक बार खुद माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए और मुझे अपनी शक्ति अपने पास रखने की अनुमति दे दे। माँ, माँ, माँ। बालवीर, अंदर आ जा, अंदर आ। बैठ, आजा बैठ जा। कुछ खाएगा? मैं खीर लेकर आती हूँ। नहीं माँ, माँ मुझे खीर नहीं खानी। अब आप बैठिए ना। माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? मुझसे क्या जरूरी बात करनी? माँ हर माँ को अपने बेटे की परेशानी के बारे में पहले ही पता चल जाता है। आपको भी पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पता तो मुझे चल गया है पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। माँ आप मेरी शक्तियाँ मेरे पास ही रहने दीजिए। अगर मेरे पास शक्तियाँ नहीं होगी तो मैं बच्चों की रक्षा कैसे करूँगा? ये कैसी मुसीबत है? इसे मना करूंगी तो कहीं इसे मुझ पे शक ना हो जाए। नहीं, इसके सामने कोई और खेल खेलना पड़ेगा। बेटा तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर वो क्या है ना कि जब तुम्हारे पास शक्तियां होती हैं तो तुम सबके बन जाते हो, किसी एक के नहीं रहते। और मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम मेरे बेटे बन के रहो मेरे पास। मतलब कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रह लो, अपनी शक्तियाँ दे दो और फिर जब भी तुम्हारा मन करे तुम शक्तियाँ वापस ले लेना। अरे वाह माँ, आपने इस मुसीबत का कितना आसान हल निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। माँ को शुक्रिया नहीं कहते, गले लगते हैं। सब एक साथ क्यों जा रहे हैं? रे एक एक करके जाओ। अरे गिर जाओगे तुम लोग। अरे क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा। साइलेंस। नो 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 नो। व्हाट इज दिस? अरे ये रैंप वॉकिंग है, गार्डन वॉकिंग नहीं है। गार्डन में ही घूमना है तो अपने कॉलोनी के गार्डन में जाके घूमो। देखो अगर यहाँ पे काम करना है तो सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। फैशन शो में पार्टिसिपेट करना है तो सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सिस्टमैटिकली। बस तो सिस्टमैटिकली तीन लाइन बनाओ पीछे जाके। अभी मैं एक एक करके सबके नाम लूंगा, एक एक करके सबको आना रैंप पे। ओके कम ऑन। द फर्स्ट नेम इज
कशिश वाह बहुत बढ़िया ड्रेस पहना है। अच्छा जैसे क्या बात थी? कुछ नहीं। अब देखना मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का कमाल, महर के ड्रेस का बना दूंगा रुमाल। अरे वाह ये तो शेर हो गया। वाह 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 शेर नहीं बॉस घटिया शेर हो गया। बढ़िया बढ़िया शेर हो गया। दूसरा नाम है प्रियंका। ले बाबा कैटवा विवेक से चलो। बोलो महर मानव तुम दोनों की ड्रेसेस तो मस्त है पर मेरी तो अभी तक बनी ही नहीं। नेहा मैंने तुम्हें कहा ना मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लेकिन वो सॉल्यूशन मैं तुम्हें इस प्रैक्टिस के बाद बताऊं। सकते हैं हाँ? मैं एक मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है जल्दी आना है। महर नहीं आएगी वो कंपटीशन छोड़ के चली गई। वो क्या मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है ना तो उसे डर लगने लगा इसलिए वो चली गई। बराबर है तुम डरने की चीज हो। महर नहीं डरी है और ना ही वो घर गई है। देखा वेरी गुड देखो अब तो आपको यकीन हो गया ना मेहर कोई तो बड़ा गेम खेल रही है हमारे साथ। अरे मेहर तुम्हारी ड्रेस कैसे ठीक हो गई? बालवीर बच्चों का सच्चा और अच्छा दोस्त। भले ही रानी परी और सारी परिया उस औरत की बातों में आ गई हो पर हमें तो उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। आज हम उस औरत की असलियत जान कर ही रहेंगे। बालवीर के पिता का रूप लेकर रखने में कर
लेता हूँ थोड़ी वर्जिश। ये तो तौबा तौबा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? हो गई वर्जिश। अरे हमने तौबा तौबा को तो अभी यहाँ देखा, अचानक कहाँ गायब हो गया वो? आप कुछ ढूंढ रही है बहन? हाँ वो तौबा तौबा का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि ये औरत उतनी सीधी नहीं है जितने दिखाई दे रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इस औरत ने हमें पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया बाल पर, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी आसानी से तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तुम लाख कोशिश कर लो, महाविनाशिनी की चाल को नहीं समझ पाओगी। मैं आपकी कुछ ढूंढने में मदद कर दूं? नहीं, मैं वो रास्ता भटक गई थी, मैं चली जाऊंगी।